हाय गाइस, नैप्स की रसोई में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं कोचू साग। तो देखिए, ये दिखने में ऐसा दिखता है। सबसे पहले हम इसको छील लेंगे और छीलने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। आप देखिए किस तरीके से हमने कट करा है इसको। और बंगाली में हम इसको कोचू साग बोलते हैं। आप भी इसी साइज में कट कर लीजिएगा। ये देखिए, हमने सारे कट कर लिए हैं और साइज़ हमने इसी साइज़ में कट किया है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को गर्म कर देंगे और उसमें एक ग्लास पानी डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें कोचू साग डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून सॉल्ट ताकि ये गल जाए, और उसके बाद एक प्लेट से कवर कर देंगे। ये कवर पूरी तरीके से होगा नहीं तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये गल जाता है और ये गलने के बाद अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो चलिए हटाकर देखते हैं प्लेट। ये देखिए, ये गल के कम हो गया है। अब हम इसमें और भी डाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बाकी था तो उसको भी डाल देंगे। एक बार में नहीं आ रहा था ये कढ़ाई में, तो अब मैंने उसको भी ये डाल दिया है। और इसको भी वापस से हम एक प्लेट से कवर कर देंगे। तो चलिए अब प्लेट हटाकर देखते हैं। ये देखिए कितना पानी निकला है इससे। और अब हम इसको एक टोकरी में निकाल लेंगे ताकि इसमें जितना भी पानी है वो सारा उससे निकल जाए। अब हम एक करछी से प्रेस कर करके इससे पानी निकाल लेंगे। ये देखिए, हमें ऐसे करके इसको प्रेस करना है, दबाते रहना है ताकि इससे सारा पानी निकल जाए। ये देखिए कितना सारा पानी निकला है। उसके बाद कढ़ाई में डालेंगे 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल और तेल को गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो उसके बाद डालेंगे 3 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता और 1/2 टेबल स्पून मंगरेल। उसके बाद हम इसमें डालेंगे काले चने। काले चने मैंने रात को ही भिगो दिए थे और अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, 1-2 मिनट तक हल्का सा। और उसके बाद हम इसमें कोचू साग डाल देंगे और उसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे 4-5 हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, और उसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए 5-6 मिनट तक पकाने के बाद ऐसा सब दिख रहा है ये, लेकिन हमें इसे और भी देर तक पकाना है क्योंकि इसके अंदर पानी होता है और उसी पानी को हमें सुखाना होता है। तो इसको हम और 10 मिनट तक और पकाएंगे, बीच बीच में हिलाते भी रहेंगे। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, तो इसका पानी काफ़ी हद तक सूख गया है। तो इसमें अब हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून चीनी, और चीनी आप इसमें ज़रूर डालिएगा, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद हम और 10 मिनट और पकाएंगे। दस मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब दोबारा चेक कर लेते हैं। अब ये कोचू साग बन गया है। मैं बस 2-3 मिनट तक और इसको करछी से अच्छे से हिला के उतार दूंगी। और कोचू साग हमने कितना सारा कट किया था स्टार्टिंग में, लेकिन अब ये गल के कितना थोड़ा सा हो गया है। इसमें बस थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है इसको, अदरवाइज़ ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेंगे।
ये देखिए, ये कोचू साग मैंने बंगाली स्टाइल में बनाया है और इसको चावल के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।